को ना मैं मतलब उनको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। वो जब भी मूवी लाएंगे फाड़ देंगे। वो उनकी कार्तिकिया वन देख लो, वो भी धमाल थी, अच्छी स्टोरी थी। सेकेंड पार्ट वो तो सबको पता ही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा क्या एक्टर है, कहाँ से आई है मूवी, क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक को मैटर किया था। एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर, दोस्तों द इंडिया हाउस। जी हाँ दोस्तों, पैन इंडिया मूवी जो कि अनाउंसमेंट टीजर आ गई है दोस्तों, निखिल सिद्धार्थ एंड अनुपम खेर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं दोस्तों हमारी एक्सपर्ट, बोले तो आपकी एक्सपर्ट प्रियंका जी। तो प्रियंका जी प्लीज इधर आ जाइए आप। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका फेवरेट बोले तो आपका जो दिल में रहते हैं निखिल सिद्धार्थ, जो कि स्पाई के बाद एक और मूवी अनाउंसमेंट कर दी है, वो द इंडिया हाउस। तो चलिए आपसे जानने की कोशिश करेंगे आपको कैसी लगी अनाउंसमेंट टीजर। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक टीजर आया था जिसका टाइटल था स्पाई, स्टारिंग निखिल सिद्धार्थ सर। एंड अचानक से झटका तब लगा जब उनकी अगली मूवी का टाइटल अनाउंसमेंट आ गया जिसका नाम है द इंडिया हाउस। तो मुझे शॉक लगा कि अभी तो स्पाई का जस्ट चल ही रहा है, हम उसी में अभी खोए हुए, और निखिल सर ने अगली अनाउंसमेंट डाल दी। तो मतलब निखिल सर, सबसे पहले तो मैं आपको ना बोलना चाहूँगी कि हैट्स ऑफ आपके स्क्रिप्ट सिलेक्शन को लेकर। मतलब आपका स्क्रिप्ट सिलेक्शन का लेवल ना बहुत हाई है। मतलब प्री इंडिपेंडेंस एरा, मतलब ये भी कुछ और आप छानबीन करके लाने वाले हो। मतलब आपने ठान लिया है कि आप ना जो बोलते हैं ना, कहीं से भी कहीं भी गहरा राज है ना, आप खोद के निकाल के सबको दिखाओगे। और वही हो रहा है स्पाई में भी। देखो सुभाष चंद्र बोस की कोई डार्क सीक्रेट हमें दिखाने वाले है। एंड अभी ये भी द इंडियन हाउस लंदन में वो शूटिंग करने वाले हैं, एंड देन वो एक हमें स्टोरी बताने वाले हैं। सो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ निखिल सर के स्क्रिप्ट जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो स्टोरी को देखने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि इस बार वो दो स्टोरीज ला रहे, क्या होने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। इसमें अनुपम खेर भी है, आपको पता ही है कार्तिकिया टू में भी थे और यहाँ भी अनुपम खेर सर उनके साथ दिखने वाले हैं, उस पर आप क्या रहे। निखिल सर के साथ अनुपम सर को कार्तिकिया 2 में हमने बस 5 से 7 मिनट का केमियो था उनका, वो भी एक ब्लाइंड मैन बन के उनको जो डायलॉग्स दिए, उनके डायलॉग्स ने ना आग लगा दी थी मूवी में, एक अलग आग लगा दी थी, एक अलग लेवल पे लेके चले गए थे। कृष्ण भगवान जी के बारे में जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, वो आई डोंट थिंक कि पहले हमने कभी सुना होगा। एंड जब जब अनुपम सर डायलॉग बोल रहे थे सबको गूज़बम्स आ रहे थे, हमें खुद गूज़बम्स आ रहे थे थिएटर में देखकर। तो जैसे इस बार वो दोबारा आ रहे तो इस बार वो क्या भौकाल मचाएंगे, मतलब दोबारा से जोड़ी हमें देखने मिलेगी। बट इस बार कैमियो है कि कोई अलग रोल है वो नहीं पता, वो तक बाहर नहीं आया है। बट जो भी हो, अनुपम सर निखिल सर छाने वाले दोबारा। क्या बात है। वैसे भी निखिल सर का कैरेक्टर का नाम तो आपको पता ही है, शिवा। एंड नीचे आया है जय माता दी, मतलब अभी से बोल दिया है जय माता दी, हम अभी से जगराता करना शुरू कर देंगे। अभी प्रियंका जी आपने एक चीज नोटिस किया, आपने तो अनाउंसमेंट टीजर देखा आपने, मगर एक चीज नोटिस किया हमारे तेलुगु के सुपरस्टार रामचरण सर प्रेजेंस जी, उनका हाथ आ गया, मतलब क्या ही बोले, ग्लोबल स्टार रामचरण सर का हाथ आ गया उनके ऊपर, तभी वो भी वैसे ही सुपर हिट समझ लो। जो भी हो, निखिल सर को ना मैं मतलब उनको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। वो जब भी मूवी लाएंगे फाड़ देंगे। वो उनकी कार्तिकिया वन देख लो, वो भी धमाल थी, अच्छी स्टोरी थी। सेकेंड पार्ट वो तो सबको पता ही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा क्या एक्टर है, कहाँ से आई है मूवी, क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। पब्लिक को मैटर किया था कंटेंट, और पब्लिक चले गए देखने के। पब्लिक जब थिएटर में बैठी ऑडियंस, तो उनको ये तक नहीं पता कि एक्टर का नाम क्या है। सो मेरे खुद बाजू वाले गए तो उनको मतलब एक्टर का नाम तक नहीं पता था, बट उनको मूवी इंजॉय करके आ गए। वो नहीं पता था, लेकिन अब वो जब आ रहे हैं तो अभी अपना एक अलग लेवल लेकर आ रहे हैं, एक अलग बोलते हैं ना कार्तिकिया 2 के बाद अब उनको और पब्लिक को अटेंशन खींचना है, मतलब और अपनी तरफ खींचना है। एंड सर आपको अपनी फैन फॉलोइंग और बढ़ानी है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए। आपकी फ़ैन फॉलोइंग को और बढ़ाइए और मजबूत कीजिए, ताकि आपकी हर एक मूवी को वो ऐसे ही सपोर्ट करे। एंड कार्तिकिया 3 के लिए तो हम काफ़ी एक्साइटेड थे, हमें लगा कि इस साल अभी निखिल सर के सीधा कार्तिकिया 3 ही हमें देखने मिलेगी। निखिल सर सोच समझ के ही अनाउंसमेंट कर रहे हैं, अब जब भी करना है पैन इंडिया ही करना है। ऑफ कोर्स, एंड कार्तिकिया 3 तो अभी सबको पता है, कार्तिकिया 3 के लिए सब भी एक्साइटेड है। सो उन्होंने सोच के रखा कि चलो कार्तिकिया 3 का एक्साइटमेंट तो है ही, अब उसको क्यों कुछ उंगली करके कुछ करना है, उससे अच्छा हम दो मूवीज करके अपना बोलते हैं ना पब्लिक को और अटेंशन खींचे। सब वही होने वाला है।
सो ऑडियंस, मैंने अपनी बात रख दी हूँ, अब आप बताइए कि निखिल सर के स्पाई टीजर के बाद उनकी अगली मूवी का टाइटल अनाउंसमेंट आ गया द इंडिया हाउस, इस बात से आप कितने एक्साइटेड हो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड इस बार वो कोई दूसरे ही डायरेक्टर के साथ आ रहे हैं जो पहले कभी उन्होंने काम नहीं किया, हालांकि स्पाई में भी वही हुआ, स्पाई में भी एक नए डायरेक्टर के साथ आ रहे हैं, यहाँ पर भी वो एक नए डायरेक्टर के साथ आ रहे हैं। तो आपको उनके इस ख्याल से आप कितने एक्साइटेड हो और आपको उनका जो थॉट है उस पर आपका क्या रिएक्शन है प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एंड मेरा वाला वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीवुड मैटर न्यूज़।